दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसी जगह विजिट किया है जहां पर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई हो या फिर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटित हुई हो? दोस्तों, हम अपने आसपास के कई लोगों से कुछ ऐसे किस्से सुनते हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत में ऐसे किस्से या खौफनाक अनुभव हमें इन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। पूरे विश्व में ऐसी ही घटनाएं घटने के दावे किए जा चुके हैं जो हमें यह दर्शाते हैं कि आत्माएं भी हमारे आसपास घूमती रहती हैं। चलिए जानते हैं चीन की एक रहस्यमय बस के सफर के बारे में और जानते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है। इस घटना में कितनी सच्चाई है यह तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन चीन की इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में ऐसी घटना के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से वहां के लोग रात में सफर करने से बहुत घबराते हैं। यह घटना 2 दशक से भी अधिक समय से लोगों के बीच खौफ फैला रही है कि रूट नंबर 375 की भूता बस करीब 1995 के समय अचानक रात को गायब हो जाती है। जो भी इस बस के बारे में सुनता है वह रात को बस में सफर करने से घबराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल AGMD Facts में। तो शुरू करते हैं रहस्यमय बस का सफर। चीन के बीजिंग शहर में प्रचलित मशहूर बस का रहस्यमय सफर की चर्चा काफी प्रचलित है। 14 नवम्बर 1995 की सर्द रात में एक वृद्ध महिला और एक जवान लड़का रात में बस नंबर 375 का इंतजार कर रहे थे और दोनों के बीच नॉर्मल बात हो रही थी और ठंड की वजह से सड़क सुनसान और कोहरे में ढकी हुई थी और ठीक 11 बजे उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस के स्टॉप पर रुकते ही दोनों बस में चढ़ जाते हैं और वह बस पूरी तरह से खाली होती है। उस बस में एक ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा और कोई नहीं होता। लड़का ड्राइवर के पास वाली सीट पर आगे की ओर बैठ जाता है और वृद्ध महिला बीच वाली सीट पर। कुछ दूर चलने के बाद बस अचानक से रुकती है और कुछ परछाई उस वृद्ध की खिड़की की ओर से आती हुई नजर आती है और तीन व्यक्ति बस में चढ़ जाते हैं। बस में रोशनी कम होने की वजह से वह उनके चेहरे नहीं देख पाई, पर महिला को उन तीनों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बीच वाले व्यक्ति ने नशा किया हो और बाकी के 2 व्यक्तियों ने उसे सहारा दिया हुआ हो। और फिर बस वहां से चल पड़ती है और बस में फिर वही शांति छा जाती है। बस चलते हुए कुछ ही देर होती है कि अचानक से वृद्ध महिला ने आगे बैठे हुए युवक से बहस करना शुरू कर दिया और बहस देखते देखते इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर को गुस्सा आ गया और ड्राइवर ने दोनों को बस से नीचे उतार दिया। यह युवक वही था जिसके साथ वह बस स्टॉप पर खड़ी हुई बहुत अच्छे से बात कर रही थी, पर महिला के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन से वह युवक काफी परेशान था कि इनका व्यवहार इतना बदल कैसे गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बस से उतरने के बाद वह महिला एकदम से शांत हो जाती है। वह लड़का पूछता है कि आपको क्या हो गया था, आप तो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे, आपने मुझसे झगड़ा क्यों किया? इतने में वह महिला जवाब देती है कि बेटा, मैंने तुमसे झगड़ा नहीं किया बल्कि तुम्हारी जान बचाई है। लड़का खड़ा हुआ हैरान देख रहा था कि यह महिला क्या कह रही है, वह क्या कहना चाह रही है। फिर महिला ने उस युवक को पूरी कहानी सुनाई और कहा, जिन 3 लोगों को तुमने बस में देखा था उनके पैर गायब थे, उनके शरीर हवा में झूल रहे थे, वह इंसान नहीं थे। इतना सुनकर वह लड़का कांपने लगता है। फिर दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी घटना के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस के सभी लोग उनको पागल समझने लगते हैं। फिर दोनों ही चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन अखबार में जो छपा था उसे पढ़कर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। उनके पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है और वह महिला और लड़का भी परेशान हो जाता है। उस अखबार ने पुलिस वालों और महिला और उस युवक के होश उड़ा दिए थे। इस अखबार में जो वह बस चलती थी उस बस का गायब होने का दावा किया था, जिसमें उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी लापता थे। फिर पुलिस ने आनंद फानंद में दोनों के पते तलाश किए और दोनों को पुलिस स्टेशन दोबारा बुलाया गया। फिर दोनों ने मीडिया को अपनी कहानी शेयर की, जिसके बाद पुलिस ने बस की तलाश का काम शुरू किया। फिर अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, वह भी 100 किलोमीटर दूर। यह बस वही होती है जिसमें वृद्ध महिला ने और उस युवक ने सफर किया था और जिसकी कहानी पुलिस वालों को आकर सुनाई थी, लेकिन जिस
पर पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया था और वह बस पानी में डूबी हुई मिली। बस को पानी से बाहर निकाला जाता है और बस को पानी से बाहर निकालते ही खौफनाक दृश्य देखने को मिलता है। उसमें कुल मिलाकर 5 लाशें मिलती हैं, जिसमें एक ड्राइवर की होती है और दूसरी कंडक्टर की, जिनकी हालत सही होती है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी, उन तीनों व्यक्तियों की लाश काफी डिकम्पोज हो चुकी थी, मानो वो काफी समय से वहां सड़ रही हों। महज 48 घंटे में इन लाशों का सड़ गल जाना संभव नहीं था, वह भी तब जब ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सही स्थिति में थी और तापमान भी काफी कम था। इस घटना से लोगों के बीच यह धारणा फैल गई कि क्या वह वाकई में ही प्रेतात्मा थी, लेकिन लोगों में दहशत फैलाने के लिए वह 3 सड़ी गली लाशें ही काफी नहीं थी। आमतौर पर जब सरकारी बसों में फ्यूल डाला जाता है तो उतनी ही मात्रा में डाला जाता है जितना कि सफर हो, लेकिन वह बस करीब 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। यह कैसे संभव था? हद से हद 30 किलोमीटर भी चलती तो भी समझ में आता, लेकिन इतना चलना संभव नहीं था। लेकिन जब फ्यूल टैंक की जाँच की गई तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस फ्यूल टैंक में डीजल ना हो करके खून भरा हुआ था, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया। फिर पुलिस वालों को उन दोनों की बस के सफर वाली कहानी सच लगने लगती है, पर इसका सच क्या है यह तो कोई भी नहीं बता सकता। और इस खबर के छपने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं और इस घटना के लिए भी भूत प्रेत ही जिम्मेदार है, लेकिन इसमें कुछ बातों का तालमेल सही ढंग से नहीं बैठ रहा है। जैसा कि आपने गौर किया होगा कि बस के डीजल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का कहना था कि बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर अतिरिक्त सफर कर ले। इसके अलावा पुलिस को बस में सड़ी गली और सही कंडीशन में लाशें मिलती है, तो फिर सवाल यह उठता है कि ये संभव है कि वह सड़ी गली लाशें उन्हें बस में ही मिली हूँ। अगर वह सड़ी गली लाशें घटना स्थल के आसपास मिलती तो उनका तालमेल समझ में आता, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हमें बताना ना भूलें। इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं और रहस्यमय बस का सफर का ये किस्सा आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल वाले बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।